मैं तरुण नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। आज मैं आपको बीएड स्पेशल में एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपने फॉर्म भरना है, इसके बारे में बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बीएड का आजकल एंट्रेंस फॉर्म भरा जा रहा है, ये 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 7 अगस्त है। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें, लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पहले हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद, एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा 2 जगह होगा, देहरादून और हल्द्वानी में। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपकी आंसर की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट में हमारी www.uu.ac.in में सब आती है। समय समय पे अनाउंसमेंट आते रहते हैं वेबसाइट में। इसके अलावा जब हमारा आंसर की आ जाएगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या है, मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद एक काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा कि आपने काउंसलिंग में अटेंड करनी है, कहाँ करनी है, आपका नाम कौन सी काउंसलिंग में आया है, कितनी तारीख को आया है, वो सब आपको वेबसाइट के माध्यम से पता चलेगा। तो उसके लिए आपको रेगुलर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है, और आपका हल्द्वानी में काउंसलिंग अटेंड करनी है या फिर देहरादून में करनी है, वो भी हम आपको उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि आपने काउंसलिंग के दौरान क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट लाने हैं। जैसे जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, क्या क्या चाहिए, डोमिसाइल लाना है, फ़ोटो लानी है, क्योंकि क्या रहता है काउंसलिंग के दौरान ही हम आपका एडमिशन फॉर्म भी फिल करवाते हैं। तो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें लानी है, और मैं आपको एंट्रेंस फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कई बार हमने देखा बच्चे ODL बीएड और बीएड स्पेशल में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भरना बीएड स्पेशल जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पढ़ाने के लिए काम आता है, बीएड स्पेशल उसको भरना चाहते हैं पर वो गलती से ODL भर देते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपने बीएड स्पेशल का एंट्रेंस फॉर्म कैसे भरना है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में गए तो आपका एंट्रेंस एग्जाम का ये लिंक दिखेगा, इसमें क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। इसमें देखिए दो ऑप्शन आएगा, एक क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर बीएड स्पेशल एंट्रेंस और एक आएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर बीएड ODL। तो आपने बीएड स्पेशल करना है। अगर आपको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को टीच करना है तो उनके लिए आपको बीएड स्पेशल एंट्रेंस फॉर्म पे क्लिक करना है। अब मैंने जैसे क्लिक करा तो इसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। इसको आप क्लिक करने के बाद आप आई एग्री में जाएंगे। यहाँ आपने क्लिक करा, मैं आपको बता दूं जो फॉर्म भरने की डेट है वो 7 अगस्त लास्ट डेट है। 8 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो 7 अगस्त का वेट ना करें, इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द भरें, क्योंकि आखिरी समय में क्या होता है वेबसाइट कई बार दिक्कत करती है, तो पहले ही फॉर्म भर लें, 7 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए आई एग्री में मैंने करने का क्लिक प्रोसीड में जाएं। इसमें आपने अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, सेशन 2024 में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ में आपने इस कैलेंडर का यूज़ करना है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, अगर मैंने यहाँ पे ली किसी की डेट ऑफ बर्थ 95 है, जुलाई, 11 जुलाई, तो ऐसे करके ये खुद ही आ जाएगी। ठीक है, यहाँ फादर नेम, यहाँ मदर नेम, यहाँ आपने नेशनलिटी लेनी है, जेंडर लेना है, यहाँ आपने अपनी कैटेगरी लेनी है, यहाँ आपने डोमिसाइल, अगर आप उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास है तो आपने यस करना है। कैटेगरी में जो भी कैटेगरी से आप हैं ये आपने भरना है। ठीक है, इसके अलावा आपने मैरिटल स्टेटस बनाना है, मैरिड है कि मैरिड है। इसमें आपने जो इसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और ये आपको काउंसलिंग, अगर आपने यस करा है तो आपको काउंसलिंग के टाइम पर अपना सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इसके बाद पेरेंट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप स्पेशल पेरेंट्स हैं, अगर आपका बच्चा डिसेबल्ड है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे हैव RCACR रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने इससे पहले कोई कोर्स करा है, RCA रिकॉग्नाइज कोई कोर्स करा है तो उसका CR नंबर अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पे यस करना है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो जो भी आपका CR नंबर है। ठीक है, इसके अलावा आपने चॉइस भरनी है कि आपने एडमिशन कौन से स्पेशलाइजेशन लेना है। जैसे हमने आपको बताया हमारे यहाँ 4 स्पेशलाइजेशन में चलता है, HI VI LD MR में। तो आपने, अगर आपने आपने अपनी पहली चॉइस आपने VI लेनी है, विजुअल इम्पेयर बच्चों को आपने लेनी है पहली चॉइस, तो आपने VI पहले से, अगर आपको इनकेस VI नहीं मिल पाया तो आपने दूसरी चॉइस आपकी क्या रहेगी तो वो आपने ही बताना है कि आपने HI लेनी है, LD लेना है, MR लेना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, इसके बाद आपने ईमेल ID लिखनी है। ईमेल ID और मोबाइल नंबर आप बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इससे क्या है आपको जब एंट्रेंस एग्जाम का कभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आपको इन्फॉर्म करना है कि डेट कब है या फिर एडमिट कार्ड आने की डेट, तो इसके लिए आपको ये सही होना चाहिए। अगर गलत होगा तो
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। वैसे तो हमारी रेगुलर वेबसाइट आपने विजिट करनी है, एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरते ही आपने रेगुलर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है। आप रेगुलर वेबसाइट विजिट करेंगे तो उससे क्या है, आपको पता चलते रहेगा, सारी जानकारी बता देगी। जैसे आपने एंट्रेंस का एग्जाम दिया, उसके बाद आपकी आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग की डेट्स आएंगी, किस दिन आपने काउंसलिंग के लिए आना है, आपने देहरादून आना है कि हल्द्वानी आना है, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। हमारे दो स्टडी सेंटर हैं, एक देहरादून में है और एक हल्द्वानी में है, तो उसके बाद आपको काउंसलिंग की डेट आएंगी। तो इस चीज़ के लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है www.uou.ac.in, इसमें आपने रेगुलर विजिट करना है। अनाउंसमेंट सेक्शन में रेगुलर हमारे अपडेट आते रहते हैं, ठीक। इसके अलावा आपने यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, इसमें आपने 10th की डिटेल भरनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी 12th की डिटेल भरनी है। इसके बाद आपने यहाँ अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, आपने बीए बीकॉम बीएससी जो भी करा है। उसके बाद अगर आपने मास्टर डिग्री करी है तो ठीक है, नहीं करी है तो यहाँ पे अगर आपका फॉर्म भरने में दिक्कत आए तो आप यहाँ 000 करके डिटेल भर सकते हैं। अगर इसको फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे तो यहाँ पे आप 000 भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम सिटी हमारे एग्जाम में आपको बता दूँ, दो ही जगह होता है, देहरादून और फिर हल्द्वानी। अगर आप गढ़वाल मंडल से हैं, आप चमोली पौड़ी और इधर उत्तरकाशी जिलों से हैं, तो आप देहरादून भरिए। अगर आप पिथौरागढ़ चंपावत उधम सिंह नगर और फिर नैनीताल जिले से हैं तो आप हल्द्वानी सेंटर भरेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करनी है। इमेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल क्लियर हो और लेटेस्ट फोटो हो, ताकि आपको एंट्रेंस में कोई दिक्कत ना है। उस टाइम वेरिफिकेशन जब होता है एंट्रेंस के टाइम पे, तो आपके उसमें कोई दिक्कत ना है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और साइन जो आप करते हैं रेगुलर, वही साइन अपने अपलोड करने हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है एंट्रेंस फॉर्म में एंट्रेंस के टाइम पे, ठीक। यहाँ पे आपने जब सब डिटेल आप भर दी तो यहाँ वेरीफाइड करेंगे। यहाँ पे आपकी जो एंट्रेंस की फीस है 2000 रुपये, वो आपकी आ जाएगी, और जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन के साथ होगी वो फीस आ जाएगी। तो वेरीफाइड करते ही आपका यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा, यहाँ पे अपने डन एंड नेक्स्ट करके आपकी फीस जमा हो जाएगी। आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो आप ध्यान रखेगा, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, नहीं उसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो ये आप इस टाइप से आपका फॉर्म भरा जाएगा एंट्रेंस फॉर्म। जब आप रेफरेंस नंबर जो मैंने आपको बताया वो आप जब आपको वो हो जाएगा जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ से आप रेफरेंस नंबर अपना डालेंगे जो आपको बताया गया था, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा प्रोस्पेक्टस के बारे में बता दूँ, कि जो हमारा बीएड है उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ। ये हमारा जो प्रोस्पेक्टस है वो मैं बता दूं आपको, कि हमारी वेबसाइट में भी ये अपलोड है। जब आपने एंट्रेंस का फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पे बीएड स्पेशल का प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा। इसकी जो मेन मेन पॉइंट वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके कैरियर की बात करें तो कैरियर के बारे में आपको रश्मि सक्सेना मैडम ने, भवन ने बहुत कुछ बता दिया है। इसमें कैरियर की बहुत संभावना है, जैसे हमारे जो पुराने पास आउट बच्चे हैं उसमें से कई बच्चे केंद्रीय विद्यालय में, डीएसएसबी दिल्ली में, और इसके साथ साथ कई बच्चे अच्छे अच्छे एनजीओ में काम कर रहे हैं, कई बच्चे अपना खुद का एनजीओ खोल के रन कर रहे हैं। जब आप आरसीए रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप इन सब चीज़ों के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने है बहुत ज़्यादा। अभी हमारे यहाँ प्राइमरी की भी 380 पोस्ट आई थी, पिछले ही साल हमें राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित करा गया था बीएड विशेष शिक्षा को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये कोर्स है 5 सेमेस्टर का है, 2.5 साल चलता है हमारा ये कोर्स, 6-6 महीने का हमारा सेमेस्टर होता है। इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी जो क्लासेस होती हैं वो देहरादून और हल्द्वानी दोनों जगह लगती हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल क्लासेस भी हमारी देहरादून और हल्द्वानी दोनों जगह होती हैं। एग्जाम सिटी आप अपनी चॉइस के उत्तराखंड में कहीं भी भर सकते हैं, उसकी भी लिस्ट आपको पता चल जाएगी जब आप आएंगे काउंसलिंग के लिए, बताया जाएगा। स्पेशलाइजेशन हमारे यहाँ 4 है, IDD, LD, HI और VI, 4 स्पेशलाइजेशन हमारा चलता है। फॉर्म भरने के लिए आपकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी एक में 50% होनी चाहिए, और जो कैटेगरी के लिए हैं SC ST OBC वर्ग से हैं उनके लिए 45% इसमें रखा गया है, या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं बीए बीकॉम बीएससी जिस भी चीज़ के फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, वो फॉर्म भर सकते हैं, पर उनका जो रिजल्ट है वो उन्हें एग्जाम दे दिया है तो जो हमारी काउंसलिंग होगी उससे पहले पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके अलावा जो उत्तराखंड के लिए जो इस बार हमारा एक प्रोविजन आया है कि जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके लिए 80% सीट रहेंगी, जो अदर स्टेट के लिए हैं उनकी 20% सीट रहेंगी, उनके लिए 20% सीट रहेंगी, तो 80-20 का रेशियो है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि ऑनलाइन आवेदन की 8 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, ये 7 अगस्त तक चलेंगे।
इसके अलावा जो एग्ज़ाम की डेट है वो जल्दी जारी हो जाएगी। वैसे जो संभावना है वो अगस्त के अंतिम हफ्ते में होने की उम्मीद है एंट्रेंस एग्ज़ाम, पर आप रेगुलर वेबसाइट विजिट करते रहें। इसके अलावा जो मैं आपको एंट्रेंस का बता दूं कि एंट्रेंस में जो आपका रहेगा जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, उसके अलावा डिसेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें, साइकोलॉजी ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये रहेगी। ठीक है, एक हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर डाल रखा कि क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपको बता दूं जो पाठ्यक्रम शुल्क आपका जो पर सेमेस्टर 15,000 रुपये फीस पहले सेमेस्टर की रहेगी, उसके अलावा यही से आपके 5 सेमेस्टर पर सेमेस्टर 15,000 फीस रहेगी। यही मुझे आपको बताना था वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।